भारतीय इतिहास के प्राचीन काल में विशालकाय महल और मंदिर बनते थे। भारत में हर राज्य के महलों और किलों का अपना अलग ही आकर्षण है। नगरों को चारों ओर से सुरक्षित करने के लिए विशालकाय पत्थरों की दीवारें बनाई जाती थीं और उन दीवारों में चारों दिशाओं में चार दरवाजे होते थे। मध्यकाल में विदेशी आक्रमण के चलते भव्य किले बनाए जाने लगे। ऐसे किले हमारे गौरवशाली इतिहास और युद्ध को दर्शाते हैं। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे किलों के बारे में बता रहे हैं जिनका इतिहास जानकर आप दंग रह जाएंगे। नंबर 10, कुंभलगढ़ का किला, राजस्थान। राजस्थान के राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ फोर्ट का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस फोर्ट की दो खासियत हैं। पहली, इस फोर्ट की दीवारें विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जो कि 36 किलोमीटर लंबी और 15 फीट चौड़ी है। इतनी चौड़ी कि इस पर एक साथ 5 घोड़े दौड़ सकते हैं। दूसरी विशेषता है, इस दुर्ग के अंदर 360 से भी ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें से 300 प्राचीन जैन मंदिर हैं और बाकी के हिंदू मंदिर हैं। ये एक अभेद्य किला है जिसे दुश्मन कभी अपने बल पर नहीं जीत पाया। इस किले के ऊंचे जगहों पर महल, मंदिर और रहने के लिए इमारतें बनाई गईं। यहां समतल भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया गया, वहीं ढलान वाले भागों का इस्तेमाल जलाशयों के लिए करके इस दुर्ग को पूरी तरह से सक्षम बनाया गया। नंबर 9, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। ये किला मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीच में बनाया गया था। किले का निर्माण शिवाजी ने 1664 से 1667 के बीच किया था। सिंधुदुर्ग अपनी खूबसूरती की वजह से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये मुंबई के दक्षिण में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित है। सिंधुदुर्ग समुद्र के बीच में एक छोटे टापू जैसा है। नंबर 8, गोलकुंडा का किला, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर बने इस किले का निर्माण काकतीय शासकों ने करवाया था। इसे भव्यता और सुंदर संरचना के लिए जाना जाता है। आज भी हजारों की संख्या में पर्यटकों का यहां जमावड़ा देखा जा सकता है। इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया था। बाद में ये बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मोहम्मद नगर कहलाने लगा। 1512 ईस्वी में ये कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आया और फिर 1687 ईस्वी में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बने इस किले में कुल 8 दरवाजे हैं। ये पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवारों से घिरा है। किले से लगभग आधा मील दूर उत्तर में कुतुबशाही राजाओं के ग्रेनाइट पत्थर के मकबरे हैं, जो टूटी फूटी अवस्था में आज भी देखे जा सकते हैं। नंबर 7, कांगड़ा किला। ये किला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। इसे कांगड़ा के शाही परिवार ने बनवाया था। ये दुनिया के सबसे पुराने किलों में से एक है। इसे देश के सबसे पुराने किलों में गिना जाता है। इसे नगरकोट या कोट कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बाण गंगा और माझी नदियों के ऊपर स्थित कांगड़ा किला 500 राजाओं की वंशावली के पूर्वज राजा भूमचंद की त्रिगतरा भूमि की राजधानी थी। ये किला धन संपत्ति के भंडार के लिए इतना प्रसिद्ध था कि मोहम्मद गजनी ने भारत में अपने चौथे अभियान के दौरान पंजाब को हराकर सीधे 1009 ईस्वी में कांगड़ा पहुंचा था।
नंबर 6 सोनार का किला जैसलमेर राजस्थान। सोनार का किला राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। सोनार किले को जैसलमेर किले के नाम से भी जाना जाता है। इस किले की खासियत ये है कि इस पर जैसे ही सुबह सूरज की किरणें पड़ती हैं, ये सोने की तरह दमकता है, इसलिए इसे सोनार का किला कहते हैं। वैसे रेगिस्तान के बीच में स्थित होने से इसे रेगिस्तान का दुर्ग भी कहा जाता है। ये दुनिया के बड़े किलों में से एक है। इसमें चारों ओर 99 गढ़ बने हुए हैं। इनमें से 92 गढ़ों का निर्माण 1633 से 1647 के बीच हुआ है। जैसलमेर के किले का मुख्य आकर्षण गोपा चौक स्थित किले का पहला प्रवेश द्वार है। ये विशाल और भव्य द्वार पत्थर पर की गई नक्काशी का शानदार नमूना है। दूसरा आकर्षण दुर्ग के अंतिम द्वार हावड़ पोल के पास स्थित दशहरा चौक है, जो इस दुर्ग का खास दर्शनीय स्थल है। यहाँ टूरिस्ट खरीदारी कर सकते हैं। जैसलमेर किले में एक अन्य आकर्षण है राजमहल। ये किले के अंदरूनी हिस्से में बना हुआ है। किसी समय ये महल राजा महाराजाओं के रहने की मुख्य जगह हुआ करता था। इस वजह से ये दुर्ग का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी है। नंबर 5 चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित ये किला 700 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। जमीन से 500 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला बैराज नदी के किनारे स्थित है। 7वीं सदी से 16वीं सदी तक ये राजपूत वंश का महत्वपूर्ण गढ़ था। ये किला उस समय का साक्षी है जब शाही लोग दुश्मन के सामने झुकने के बजाय मर जाना पसंद करते थे। आज भी आप इस किले में जाकर रानी पद्मिनी की वीरता के बारे में लोग ही सुन सकते हैं। इस किले के अंदर कई महल, मंदिर, निजी और सार्वजनिक हॉल हैं, जो हर साल लाखों यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नंबर 4 ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित इस किले को राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। ये उत्तर और मध्य भारत के सबसे सुरक्षित किलों में से एक है। सुंदर स्थापत्य कला, दीवारों और प्राचीरों पर बेहतरीन नक्काशी, रंग रोगन और शिल्पकारी की वजह से ये किला बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। ये गोपालचंद पर्वत पर बना है। लाल बलुए पत्थर से बना इस किले के भीतरी हिस्सों में मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने मौजूद हैं। 15वीं शताब्दी में बना गुजरी महल उनमें से एक है, जो राजा मानसिंह और गुजरी रानी मृगनयनी के प्रेम का प्रतीक है। ये मैदानी क्षेत्र में 100 मीटर ऊंचाई पर है। किले की बाहरी दीवार लगभग 2 मीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर से लेकर 200 मीटर तक है। नंबर 3 आगरा का किला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आगरा में बने इस किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। पहले ये किला राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पास था। बाद में इस पर महमूद गजनबी ने कब्जा कर लिया। अपने वास्तु शिल्प नक्काशी और सुंदर रंग रोगन के साथ इसकी भव्यता के कारण देश के सभी किलों में ये सबसे सुंदर किला माना जाता है। इस किले की चार दीवारी के अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ है, जिसकी कई इमारतें बेहतरीन कला के नमूनों में से एक है। सफेद संगमरमर की मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, मुसम्मन बुर्ज, जहांगीर पैलेस, खास महल और शीश महल उनमें से कुछ खास हैं। मुगल शासक बादशाह अकबर ने 1573 में आगरा के किले के निर्माण की शुरुआत की थी। नंबर 2
मेहरानगढ़ किला जोधपुर राजस्थान। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर शहर में है। ये 500 साल से भी ज्यादा पुराना और सबसे बड़ा किला है। ये किला काफी ऊंचाई पर बना है। इसे राव जोधा ने बनवाया था। इस किले में 7 गेट हैं और हर गेट राजा के किसी युद्ध में जीतने पर स्मारक के तौर पर बनवाया गया था। इस किले में जायापोल गेट राजा मानसिंह ने बनवाया था। किले के अंदर मोती महल, शीश महल जैसे भवनों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। चामुंडा देवी का मंदिर और म्यूजियम इस किले के अंदर ही है। ये राजस्थान का सबसे अच्छा म्यूजियम माना जाता है। और नंबर 1, लाल किला दिल्ली। लाल किला दिल्ली का एक विश्व प्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण तोमर राजा अनंगपाल ने 1060 में करवाया था। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इसे फिर से बनवाया और शाहजहां ने इसे तुर्क शैली में ढलवाया था। लाल बलुआ पत्थरों और प्राचीर के कारण इसे लाल किला कहा जाता है। भारत के लिए ये किला ऐतिहासिक महत्व रखता है। मुगल शासक शाहजहां ने 11 वर्ष तक आगरा में शासन करने के बाद तय किया कि राजधानी को दिल्ली लाया जाए और यहां 1618 में लाल किले की नींव रखी गई। वर्ष 1647 में इसका उद्घाटन हुआ। करीब 1.5 मील में फैले इस किले के लाहौर और दिल्ली गेट दो प्रवेश द्वार हैं। इसे बनाने में लगभग, या यूं कहूं कि इसको कन्वर्ट करने में लगभग 10 साल लगे। लाल किले की संरचना दुनिया के सामने भारत को प्रस्तुत करती है। यूनेस्को द्वारा एक विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित ये लाल इमारत अपने पूर्व गौरव की गाथा सुनाती है। अगर आपने एक किले नहीं देखे तो जनाब ज्यादा सोचिए मत, जाइए और इन किलों को देखिए। आपके मन और आंखों दोनों को शांति मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द अननोन।